जब से ई मित्र पे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुए हैं, तब से एक समस्या सभी ई मित्र क्योस्क को आ रही है और ये समस्या लगातार आ रही है। और ये समस्या क्या है कि जो जाति व मूल जन आधार कार्ड के साथ लिंक हैं वो लिंक सही से नहीं है, वहाँ पे जो नंबर लिंक किए गए टोकन नंबर वो गलत हैं, इस प्रकार की एक एरर मिल रही है और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे इसके अंदर करेक्शन ई मित्र क्योस्क के माध्यम से करवा ले, अपने जाति मूल अपडेट करवा ले। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो अपडेट का मैसेज आ रहा है, ई मित्र क्योस्क को भी पता है कि ई मित्र पे अपडेट सर्विस अवेलेबल नहीं है, यानी कि एक बार जाति मूल लिंक हो गए तो उनको नहीं बदला जा सकता। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये गलत होने की वजह से एरर नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है कि टोकन नंबर गलत लिंक है, टोकन नंबर भी सही लिंक है, जाति के भी और मूल के भी, उसके बावजूद भी ये एरर आ रही है। तो अब इस एरर का कारण क्या है? अगर सही में यहाँ पे ये गलत लिंक हैं तो एडिट का ऑप्शन देना चाहिए, ई मित्र क्योस्क को एडिट करना आता है, वो खुद एडिट कर सकता है, तो एडिट का ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गलत हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते, तो या तो फॉर्म भरवाना ही नहीं चाहते, कोई तो कारण होगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, या तो एडिट का ऑप्शन दे दो या फिर आप यहाँ पे इसको जो भी तकनीकी समस्या है उसका समाधान करो। ऐसा ही नहीं कि एरर आ रही है, ई मित्र क्योस्क का परेशान है, बीच में एक समाधान भी ढूंढा था कि नए जाति मूल बना के बना लो, तो नए जाति भी बना दिए बहुत सारे लोगों के, तो कुछ लोगों के तो इससे काम हो गया, कुछ लोगों के नए जाति मूल बनाने के बावजूद भी ये एरर मिल रही है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो सभी ई मित्र क्योस्क को अपनी LSP से बोलना है कि इस समस्या का समाधान करके हमें दे, हम ये कितने दिन तक देखते रहेंगे कि ये समस्या आती रहेगी, हम ई मित्र का काम कर रहे हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं, लगातार लोग चक्कर लगा रहे हैं ई मित्र का, आज फॉर्म भरेंगे कल भरेंगे, बहुत सारे लोग नए जाति मूल बना रहे हैं उनके भी एरर आ रही है, कुछ लोगों ने दो तीन बार जाति मूल बना लिए फिर भी एरर आ रही है, एरर आती ही जा रही है और समाधान किसी को देने की पड़ी ही नहीं है। तो ई मित्र क्योस्क को अपने LSP को बोलना है कि इस समस्या का समाधान करवा के दे, गवर्नमेंट तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाए, 181 पे शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं कि इस प्रकार की समस्या आ रही है, लगातार आ रही है, आप हमें समाधान दे इसका। अगर ये तकनीकी समस्या है तो उसका भी समाधान दे, अगर ये सही में गलत लिंक है इसकी वजह से आ रही है तो उस मामलों में एडिट का ऑप्शन दे जन आधार कार्ड के अंदर, जिससे कि एडिट किया जा सके। तो इसका समाधान गवर्नमेंट को देना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही मैं वीडियो और भी बना के आपके लिए लेके आता रहूँ, को आपको इस प्रकार के वीडियो की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि सर्विस देना मात्र ही किसी समस्या का समाधान नहीं है, उसके अंदर जो तकनीकी समस्या आती है उसको समय पर निवारण करना भी जरूरी है। लगातार यहाँ पे इसके आवेदन की दिनांक को तो आगे बढ़ाया जा रहा है लेकिन ये समस्या आ रही है उसका कोई समाधान नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि ऐसी कोई कारण हो जिसकी वजह से ये समस्या आ रही हो, तो उसका समाधान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता है ये पूरी की पूरी तकनीकी समस्या है और इसका समाधान 100% तकनीकी रूप से किया जा सकता है, तो इसका समाधान 100% रूप से देना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आता रहूँ। तो बाय बाय दोस्तों।